सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है, राज्यसभा के मेंबर हैं। सुधांशु जी, आप उत्तर प्रदेश को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, ये जो ट्रेंड्स अभी दिखाई दे रहे हैं ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो ट्रेंड अभी दिख रहे हैं ये हमारे हिसाब से अपेक्षित नहीं है, परंतु हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी प्रारंभिक रुझान है, अंतिम जो परिणाम आने दीजिए, क्योंकि जो प्रारंभिक स्तर पर दिख रहा है कुछ सीटें इधर उधर हो सकती थी, परंतु इतना जो कम दिखाई पड़ रहा है ये हमारे हिसाब से अप्रत्याशित नजर आ रहा है। आपकी जानकारी क्या है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में? नहीं देखिए, आप मुझसे अधिक चुनावों के बारे में कवर कर चुके हैं, जानते हैं 10 सवा 10 के आसपास तक जो स्थिति होती है वो एक ट्रेंड दिखाती है, परंतु जो फाइनल्स सेटल होती है पिक्चर वो 11:30-12 बजे के आसपास होती है। तो मुझे लगता है कि 1 सवा घंटे की हमें प्रतीक्षा और करनी चाहिए, तब हमें जो पिक्चर दिखेगी उसे हम ये मान सकते हैं कि वो लगभग फिर उसी दिशा में स्थिर रहेगी। बिहार में अच्छी स्थिति सुधांशु दिखाई दे रही है, 35 सीटों पर NDA लीड कर रहा है। बिहार में हमारी अपेक्षा और अधिक सीटों की थी, हम 35 पे लीड कर रहे हैं। यहाँ भी मेरा ये मानना है कि अंतिम परिणाम आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, हो सकता है हमारी 1-2 सीट और बढ़ जाए। अब मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 पर लीड कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो अब तक के ट्रेंड्स हैं वो उसमें दिखाई दे रहा है कि 7-8 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी हार सकती है। राजस्थान में बीच में भी इस प्रकार की चीज़ आ रही थी कि 3-4 सीटों के ऊपर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा हम लोगों को आभास लग रहा था, परंतु इतना सीटें, मतलब 7-8 सीटें पीछे होना ये नहीं हमें अपेक्षित था। 2-3 सीटों को लेकर मन में आशंका थी, परंतु 7-8 सीटें जो अभी प्रारंभिक रुझान में कम दिखाई पड़ रही हैं हमारे हिसाब से इतना कम नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो वाकई में 29 में से 29, छिंदवाड़ा की सीट पर भी बीजेपी ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश वैसे भी हमारा संगठन की दृष्टि से भी बहुत मजबूत राज्य रहा है, और मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनावों में अगर सबसे अप्रत्याशित परिणाम किसी को दिखे तो मध्य प्रदेश में दिखे, जहां माना जा रहा था कांग्रेस की एज है, वहां हमने इतनी शानदार सफलता हासिल की। तो मानी हुई बात है कि मध्य प्रदेश में हमें जो अपेक्षा थी, हम इस राज्य में कह सकते हैं कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप संकेत दिखाई पड़े। एक और राज्य जहां बीजेपी की अपेक्षित ट्रेंड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 35 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी 5 सीटों पर लीड कर रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल बहुत अप्रत्याशित दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमें अपेक्षा थी कि हम बहुत अच्छी संख्या में सीटें जीतेंगे, और अभी भी हमारी अपेक्षा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि यह संकेत है। यदि भी पश्चिम बंगाली एकमात्र राज्य अब ऐसा बचा है जहां चुनावी हिंसा होती है, अन्यथा अब लगभग सभी राज्यों में, एक ज़माने में बिहार इस मामले को लेकर बहुत बदनाम माना जाता था जहां सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा होती थी, अब बिहार में भी सारी स्थितियां ठीक हैं, सिर्फ बंगाल ही एक ऐसा राज्य रह गया है, परंतु बंगाल में इतनी कम सीटें ये हमारे लिए सिर्फ अप्रत्याशित नहीं, आश्चर्यजनक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि 1-1.5 घंटे के बाद ही इस पे हम कुछ टीका टिप्पणी करें तो उचित रहेगा। उड़ीसा में अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, बिल्कुल बगल का स्टेट है, 21 में से 17 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में हम लोगों को अपेक्षा थी कि हम 17-18 सीट तक जीत सकते हैं, तो यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वो उसी अपेक्षित दिशा में और अपेक्षित संख्या में दिखाई पड़ रहा है। और महाराष्ट्र में बीजेपी 14 सीटों पर लीड कर रही है, और जो एलाइज हैं वो 7-8 सीटों पर। नहीं, महाराष्ट्र में हमारा ये विचार था कि हमारी जितनी सीटें पिछली बार थी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें, उससे अधिक होंगी। एलाइज के बारे में अभी हम बहुत बेहतर कहने की स्थिति में नहीं हैं, परंतु इतनी कम सीटें महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र एक, अगर आप जनरल पत्रकारों के बीच में भी, चर्चा के बीच में देखें, राजनीतिक विश्लेषकों में, तो उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं जिन 2 राज्यों को लेकर थी वो बिहार और महाराष्ट्र थे। बिहार में हम अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो हमने सोचा था उससे हमारी संख्या कम दिखाई पड़ रही है इन प्रारंभिक रुझानों में। और महाराष्ट्र में जो विश्लेषण था उसमें विश्लेषण ये था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, हो सकता है कि हमारे एलाइज की कुछ संख्या कम हो, परंतु ये जो दिख रहा है यहाँ पर भी मेरा ये कहना है, जैसे बंगाल हमें आश्चर्यजनक लग रहा है, महाराष्ट्र जो दिख रहा है यह अपेक्षा के विपरीत दिखाई पड़ रहा है,
इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें भी मैं एक सवा घंटे बाद हम बेहतर करेंगे। अब महाराष्ट्र में हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी कम सीटें आई। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का अलायंस अच्छा कर रहा है। कर्नाटक में अपेक्षित था। देखिए कर्नाटक की एक बहुत स्पष्ट बात समझिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिला था, हमारा वोट इंटैक्ट था। कांग्रेस का जो 4% वोट बढ़ा था वो सीधा जेडीएस से बढ़ा था, जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ था, या फिर उनको कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ वोट मिला होगा उसमें जो हार्ड लाइनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा था। तो ये जो 4% का एग्जैक्ट लॉस हुआ था जेडीएस को, तो अगर आप ये माने कि जेडीएस का वोट उधर शिफ्ट हुआ था, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो कलिंगा समाज में ये लगा हो कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं वगैरह वगैरह, जो बाद में नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। और एक और भी कारण था कि विधानसभा में जेडीएस के वोटर को लगता था कि सरकार तो जेडीएस की बनेगी चाहे बीजेपी के साथ बने या कांग्रेस की, लोकसभा में वो नहीं देखता है। तो हमें अपेक्षित था कि वो वोट जो कांग्रेस की तरफ गया था विधानसभा में, कर्नाटक में वो हमारी तरफ वापस आएगा, और कुछ कुछ वैसे ही संकेत प्रारंभिक रुझानों में दिखाई पड़ रहे। कम सीटों वाले दो राज्य हैं सुधांशु जी, एक राज्य है हरियाणा जहां पर लगभग बराबर की टक्कर है 5 और 4 की। पिछली बार तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। पिछली बार हम लोगों ने जीती थी, पर अगर आप देखें तो इस बार जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण थे और एग्जिट पोल थे, तो कोई हमको 5-5 दिखा रहा था, कोई हमको 7-3 दिखा रहा था। अभी तक जो हरियाणा में किसी ने हमको क्लीन स्वीप नहीं दिखाया था, तो हमारी अभी भी अपेक्षा है कि हम अच्छी संख्या में सीटें जीतेंगे, और 10 सीटें थीं तो 10 के आसपास तक हमारी संख्या पहुंच जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में आपको याद हो विधानसभा चुनावों में इस प्रकार का एक वातावरण बन गया था कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस हेड्स डाउन जीत गई है, परंतु छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार का कार्य पहले से था, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कार्य हुए और ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह के कार्य हुए थे, और आपने देखा कि हमारी सरकार आने के बाद वहाँ नक्सल गतिविधियों में एक बहुत तगड़ा नकेल लगा है, तो हमारी अपेक्षा थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा, और हम 11 की 11 सीटें जीतने की अपेक्षा कर रहे थे। अभी देखते हैं कि अंत में परिणाम कहाँ पर आकर। उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तराखंड में हमें यह अपेक्षा थी कि 5 की 5 सीटें जीतेंगे सभी प्रत्याशी। सरकार ने अच्छा काम किया, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शानदार काम किया, और उत्तराखंड में एकदम 5 में 5 जीत रहे हैं। अगर आपके ट्रेंड में दिखा रहे हैं कि हम हिमाचल में भी 4 में 3 जीत रहे हैं, यदि ये महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर हम पंजाब में भी थोड़ा बेहतर करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो अभी मैं नहीं कह रहा कि अंतिम परिणाम है। ये वो राज्य हैं जहां से सेना में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया था सेना से जुड़ी कुछ योजनाओं को लेकर, तो मुझे लगता है उसके बारे में भी एक संकेत इन राज्यों को चुनाव देखते हैं जहां पर भारी संख्या में, सबसे भारी संख्या में लोग, जनसंख्या के अनुपात में देखें तो बहुत भारी संख्या में लोग सेना में और सैन्य बलों में जाते हैं। हिमाचल में अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां अपेक्षा थी बीजेपी को उतना नहीं अच्छा कर पा रही है। तेलंगाना में हमारी अपेक्षा थी कि हम पिछली बार 4 सीटें जीते थे, इस बार 7 से 8 सीटें जीतेंगे, तो अपेक्षित परिणाम अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं रुझानों में, तो मुझे लगता है कि हम जब अंतिम परिणाम आए तभी इसका विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेहतर। असम में 9 सीटों पर आगे है, ये मुझे लगता है जो अपेक्षा है उतना ही है। नहीं, हमारी अपेक्षा 10 सीटों के लगभग थी, और देखते हैं कि अंतिम परिणाम मानो पर 10 से भी ज़्यादा सीटें, क्योंकि असम में आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी में ऐसा चेंज हुआ है इन्फिल्ट्रेशन के चलते हुए, भले ही हमारे विपक्षी उस पर जो भी राजनीति करें, तो 2 लोकसभा क्षेत्र वहां पे, बल्कि एक और तीसरा लोकसभा क्षेत्र आपके पैनल पे सुधांशु मित्तल जी बैठे हुए हैं, वो इस विषय के ऊपर उन्होंने पिछले 20 साल पहले से ही काफ़ी अच्छा अध्ययन करके रखा हुआ है, तो वहाँ 2-2.5 लोकसभा तो ऐसी हैं जहाँ पर कि हमारे लिए बहुत कठिन था, तो उसमें अगर हमारी अपेक्षा थी कि हम 10 से बेहतर प्राप्त करेंगे, तो अंतिम परिणाम तक हमें अपेक्षा करते हैं कि शायद हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप संख्या असम में दिखाई दे। उत्तर प्रदेश पर एक बार फिर से आ जाते हैं, अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है बिल्कुल बराबरी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। उत्तर प्रदेश में जो बराबरी का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कार्य हुए और केंद्र में जो कार्य हुए, मुझे लगता है कि उसके बाद ये बराबरी का ट्रेंड हमारे लिए बहुत असहज है, और हमारी ये आशा और अपेक्षा दोनों है कि अंतिम परिणाम आने तक
यह निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ना चाहिए। दो चीजें हमारे स्टूडियो में जो बैठे लोग हैं उन्होंने कहा, एक को तो वहां से जानकारी आई कि ईवीएम बहुत स्लो चल रही है, अभी तक जो ट्रेंड्स हैं वो ज्यादातर पोस्टल बैलेट्स के हैं और बहुत ही ईवीएम की कुछ मशीनें खुल पाई हैं उसके ट्रेंड्स हैं। आपने ईवीएम का जिक्र किया तो मुझे बरबस ध्यान आ गया रजत जी कि कम से कम अभी तक के रुझानों में ईवीएम को लेकर जिस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही थी, कम से कम विपक्ष को अभी रुझान है जो भी अंतिम परिणाम होंगे, पर कम से कम अब यह बात देश की जनता को भी समझनी चाहिए कि राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौल कर भारत के लोकतंत्र, भारत की व्यवस्था और इसकी गरिमा भारत ही नहीं पूरे विश्व में धूमिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है, जिसको जनता उचित समझे उसको निर्णय देती है, परंतु पिछले कुछ दिनों से जो दिखाई पड़ा, मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संविधान ऐसी विचारों और भावनाओं के कारण ज़्यादा बड़े संकट में आ सकता है कि जो हार या जीत के आधार पर तय करते हैं कि संविधान या लोकतंत्र की विजय हुई या नहीं। देखिए, ये तो एक अच्छी बात इस पूरे चुनाव का आउटकम होगी अगर इसी तरह के ट्रेंड्स रहते हैं, बीजेपी कम मार्जिन से सरकार बना पाती है तो फिर ईवीएम पर इसके बाद कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। देखिए रजत जी, पहले भी मैं आपसे बात कह चुका हूं, ये बात बहुत ही हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और खतरनाक थी। आप उत्तर से दक्षिण तक देखिए, मतलब पंजाब में ईवीएम ने अच्छा काम किया था, हरियाणा में नहीं अच्छा काम किया था, विधानसभाओं में देख लें तो उत्तराखंड में सही काम नहीं किया था मगर हिमाचल में अच्छा काम किया था, दिल्ली में अच्छा काम नहीं किया था और उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में सही काम किया था, 2023 में सही काम नहीं किया था, फिर बंगाल में और तेलंगाना और कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया, गुजरात महाराष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम किया, असम में अच्छा काम नहीं किया। ये बात देख के कोई भी समझ सकता है कि ये बात तर्कसंगत लगती है, इसीलिए मैंने कहा यह राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पे तौलकर सियासत के को ऐसा बनाना कि देश के लोकतंत्र की फजीहत हो, यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इससे यह बहुत दुखद एक ट्रेंड था जो अपनी संभावित पराजय को देखकर विपक्ष ने पिछले कुछ दिनों में करने का प्रयास किया। और कल जो कहा गया था कि अमित शाह ने डीएम्स को 150 डीएम्स को फोन कर दिए, देखिए यही मैं कह रहा हूं, अगर आप कोई क्वांटिटेटिव बात कहते हैं, संख्यात्मक और तथ्यात्मक बात कहते हैं तो फिर उसके पक्ष में आपको तथ्य देने चाहिए। आप अगर ये कहते हैं कुछ को किया गया तो समझ में आता, जब आप 150 बोल रहे हैं तो आप डिटर्मिनिस्टिक, जिसे कहते हैं डिस्क्रीट न्यूमेरिक क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, आप सीधे स्पष्ट संख्या बता रहे, चुनाव आयोग ने पूछा बताइए, और आप कह रहे चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है तो मतगणना आज हो रही है, आप कह रहे हैं एक हफ्ते बाद बताएंगे, ये दर्शाता है कि आधारहीन आधार के ऊपर भ्रम और भय उत्पन्न करने की एक सोची समझी रणनीति विपक्ष ने अपनाई। जी हाँ, संजीव हमारे साथ हैं, पूछना चाह रहे हैं सवाल। सुधांशु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक घंटे बाद और स्पष्ट होगा, फिर हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी के ट्रेंड्स जो हैं 10:30 के करीब, वो तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और इन ट्रेंड्स का क्या कारण समझ रहे हैं आप? अगेन थोड़ा अर्ली एनालिसिस होगी बट स्टिल, चूंकि आप इतने, देखिए मैंने तो साफ कहा कि अभी जो रुझान है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि परिणाम आने के बाद भी उसका विश्लेषण जो होता है वो कई दिन बाद होता है, पार्टियां उसके लिए एक एक हफ्ते और एक आधा एक एक महीने का, हम लोग करते हैं, हमने हर चुनाव में किया भी था, 2014 में भी, 19 में भी, कहां कहां और बढ़ सकते हैं 2004 और 9 में भी, तो रुझानों का विश्लेषण देना मुझे लगता है कि युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता। सही बात, आप कुछ पूछना चाहती हैं? वैसे तो हर स्टेट के बारे में चर्चा बड़ी डिटेल में हो गई है, लेकिन अगर सुधांशु जी मैं फिर से अगर आपसे उत्तर प्रदेश पर पूछूं, जो वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट की बात कर लें, या वो सीटें जो जहां पर यादव परिवार के गढ़ वाली सीटें कही जाती है, कम से कम 10 से 15 सीटों का क्या बीजेपी लॉस देख रही है या नहीं? देखिए जो आपने बात कही, भारत की राजनीति की इसी धारा और विचार को बदलने का प्रयास मोदी जी ने किया है कि हम ये माने कि अमुक समुदाय अमुक का वोट बैंक है और एक अमुक क्षेत्र अमुक परिवार का गढ़ है। मुझे लगता है जो आप कह रही हैं ये संभावना हो सकती है, परंतु अब अगर हमें परिपक्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ना है तो परिवारों का गढ़
और वोट बैंक के गढ़ वाले विचार से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है इसके आधार के ऊपर समाज में जो वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके, प्रतिस्पर्धा तो फिर भी ठीक है, वैमनस्य उत्पन्न करके जो राजनीति की जाती रही है परंपरागत रूप से और जिसने भारत को नुकसान किया है, वो राजनीति फिर यथावत चलती रहेगी, जो मेरे विचार से आगे के लिए। सुधांशु जी, आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, जाटों की नाराजगी, अग्निवीर योजना, राजस्थान में और हरियाणा में कहीं ना कहीं ये दो फैक्टर थे जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर पाए और इसीलिए फिलहाल जो ट्रेंड आ रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा यदि जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से देखें तो सेना में उत्तराखंड और हिमाचल से कहीं अधिक संख्या में लोग जाते हैं, संख्या में हरियाणा राजस्थान अधिक होगा, पर इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन देखेंगे तो हर गांव में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा उत्तराखंड और हिमाचल में, जहां पर कि लोग सेना में जाते हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस ढंग से देखना है तो उन राज्यों को देखने का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई पड़ता है, बजाय इसके कि हम हरियाणा को केवल एक आधार के ऊपर। पुनः मैं फिर कहना चाहता हूं, किसी राज्य को एक वर्ग के साथ जोड़ना, किसी घटना को एक वर्ग के साथ जोड़ना, और अब तो क्या हो जाता है कि कोई दुर्घटना आंदोलन भी हो जाए तो एक वर्ग के साथ जोड़ लिया जाता है, इस ट्रेंड से हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए।